गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स एशिया रेंजर 2021 के फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज बेटा हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है बेटा ऑप्टिक्स, है ना। क्या नाम है बेटा? ऑप्टिक्स, ये आपको ध्यान है। तो हम लोग नया चैप्टर आज से स्टार्ट करने वाले बेटा ऑप्टिक्स, ठीक। ऑप्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश, है ना, ये आपको ध्यान, ठीक है। चलिए वन बाय वन डील करते जाते हैं बेटा, है ना। तो ऑप्टिक्स होता क्या है बेटा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, है ना। प्रकाश क्या होता है, हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं बेटा। पहला होता है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, ठीक है। और सेकेंड होता है बेटा फिजिकल, सेकेंड होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। सेकेंड क्या होता है बेटा? फिजिकल ऑप्टिक्स, ये आपको ध्यान। तो फर्स्ट क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ज्यामिति प्रकाश की, ज्यामिति प्रकाश की। और दूसरा क्या है बेटा? फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। तो पहले अपन डिटेल में बात कर लेते हैं बेटा ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स क्या होता है। और बेसिकली हमको ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स ही पढ़ना है हमारे जो सिलेबस में बेटा ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा, इसके लिए खास बातें कि जो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स होता है, यहां पर हम जो लाइट है उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं बेटा? रेस के रूप में। किसके रूप में ट्रीट करते हैं? रेस। प्रकाश जो होता है, जो संचरण होता है प्रकाश का, वो रे के फॉर्म में होता है बेटा, रे किरण के फॉर्म में होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना, रे के फॉर्म में होता है। और रे के लिए मस्ट बी बेटा ये डायरेक्शन लगाना, अगर आपने ये डायरेक्शन लगाना नहीं लगाएंगे तो ये लाइन कहलाएगा, रे नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। पहली चीज याद रखें, यहां पर जो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है उसमें जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द टर्म्स ऑफ रेज, प्रकाश का जो संचरण होता है वो किरण के रूप में होता है, ठीक है बेटा। दूसरी खास बात है, यहां पर जो प्रकाश है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट मच मच बी लेस देन साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल, साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल। याद रखना प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कैसा होता है बेटा? प्रकाश का तरंग है, है ना, अवरोधक, अवरोधक के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्स्टकल होगा, है ना, वस्तु होगा, उसकी तुलना में जो प्रकाश लेते हैं हम लोग उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बहुत ही कम होता है बेटा, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। यहां पर हम तीसरी बातें जो डील करते हैं वो सबसे ज्यादा चीज क्या है? इमेज फॉर्मेशन। हम लोग वस्तु का क्या बनाते हैं बेटा? प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो? वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं बेटा। और क्या करते हैं? पूरा स्टडी क्या करते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, इन सब का स्टडी करते बेटा। यहां पर हम प्रकाश का, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत बेटा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत, ठीक है। फिजिकल जो ऑप्टिक्स होता है, देयर आर आल्सो टू टाइप्स, देयर आर आल्सो टू टाइप, ये आपको ध्यान रखना, देयर आर आल्सो टू टाइप, ये आपको ध्यान रखना, देयर आर आल्सो टू टाइप, ठीक है बेटा, देयर आर आल्सो टू टाइप, है ना, टू टाइप। ये दो प्रकार के होते हैं, कितने? दो प्रकार के। पहला होता है बेटा बे ऑप्टिक्स, बे ऑप्टिक्स, है ना, ये है। और सेकेंड होता है बेटा क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, ये दो होते हैं, है ना। तो फिजिकल ऑप्टिक्स दो प्रकार के होते हैं,
पहला होता है वे ऑप्टिक और सेकेंड क्या लिखते हैं बेटा क्वांटम ऑप्टिक्स, ये आपको ध्यान। इसके बारे में थोड़ा ट्रीटमेंट कर लेते हैं ना, बातें कर लेते हैं। वे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रकाश को तरंग के रूप में अध्ययन करते हैं बेटा। कैसे करते हैं? तरंग के रूप में, है ना। यहां जो प्रकाश होगा, लाइट होगा, वो कैसे प्रोपोगेट होंगे बेटा? वेव के फॉर्म में। कैसे होंगे बोलो? वेव फॉर्म में, याद रखना। वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है बेटा, है ना। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, है ना, ट्रीट एज वेव। तो प्रकाश का जो संचरण होगा वो तरंग के रूप में होता है। इसके अंतर्गत हम कौन कौन सा फिनोमिना का स्टडी करते हैं बेटा? पहला होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। सेकेंड होता है बेटा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। थर्ड होता है बेटा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ये आपको ध्यान, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा? सेकेंड पार्ट है हमारा क्वांटम ऑप्टिक्स। क्या है बेटा बोलो? क्वांटम ऑप्टिक्स। तो क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लाइट को कैसा ट्रीट करते हैं बेटा? एज पार्टिकल। हम कैसा ट्रीट करते हैं यहां लाइट को? एज पार्टिकल। और इस पार्टिकल यानी कण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन। क्या बोलते हैं बेटा? फोटॉन या क्वांटम। फोटॉन बोलते हैं या क्वांटम। क्या बोलते हैं? फोटॉन या क्वांटम बोलते हैं बेटा। ये आपको ध्यान रखना, क्वांटम बोलते हैं, ठीक है। इस क्वांटम जो ऑप्टिक्स होता है इसके अंतर्गत हम लोग किसके रूप में स्टडी करते हैं? लाइट को पार्टिकल के रूप में बोलते हैं, और उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, क्वांटम या फोटॉन कहते हैं, है ना बेटा। ये देखो ये कैसे फॉर्म करता है, ट्रेवल कैसे करता है बेटा, ऐसा। ये है फोटॉन बेटा, फोटॉन, है ना। इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन सा फिनोमिना स्टडी करते हैं? सबसे पहला करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड स्टडी करते हैं बेटा रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। थर्ड कौन सा करते हैं बेटा? लेजर, लेसर। ये आपको, तो ये ज्यादा करके हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स के अंतर्गत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट और लेजर का हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान रखना, स्टडी करते हैं, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम लाइट के बारे में कुछ और उनके जो व्यू है लाइट का वो पढ़ते बेटा, स्टडी करते, ठीक है। ये आपको ध्यान, और छोटे छोटे लाइट की जो प्रॉपर्टीज है उसका स्टडी करते हैं बेटा, ताकि आपको एकदम डिटेल में हर चीज समझ में आए, है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये तो हम लोग क्या करने वाले हैं? रिव्यू ऑफ लाइट, रिव्यू ऑफ लाइट। ये देखो रिव्यू ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है बेटा? लाइट इज द फॉर्म ऑफ, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, विच इज प्रोपोगेट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है बेटा बोलो? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकी, जो विद्युत चुंबकी चुंबकी तरंगों के रूप में, है ना, जो विद्युत चुंबकी तरंगों के रूप में चलता है। यह आपको ध्यान, ठीक है बेटा। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपोगेट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर। दूसरी खास बात बेटा, है ना, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नो मीडियम, है ना, याद रखना, ठीक है।
नो मीडियम, माध्यम की आवश्यकता नहीं है बेटा, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये निर्वात में भी ट्रेवल कर सकते हैं। क्या होता है इसका मतलब, ये निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इट्स स्पीड इन फ्री स्पेस इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में इसकी जो चाल होती प्रकाश की वो कितनी होती, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती बेटा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये निर्वात में भी गति कर सकता है, माध्यम में भी गति कर सकता है, और इसको चलने के माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ याद रखना बेटा, जो प्रकाश होता है वो न तो विद्युत क्षेत्र और न ही चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं, याद रखना, है ना। इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं, यह आपको ध्यान रखना। क्या बोला बेटा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित विक्षेपित नहीं होते हैं, याद रखना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो प्रकाश होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है बेटा, ये विद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर विद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इनके भी लंबवत क्या करता है, प्रकाश गति करता है बेटा, प्रोपोगेट होता है, यानी प्रकाश का संचरण इस दिशा में होगा, प्रकाश का संचरण इस दिशा में होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। ये हमेशा याद रखना, विद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इनके भी लंबवत क्या होते हैं, प्रकाश का संचरण होता है बेटा इस दिशा में, है ना। और तीनों के तीनों, है ना बेटा, विद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर हमेशा सेम फेस में रहेंगे, क्या रहेंगे, सेम फेस, ये दोनों हमेशा लंबवत होंगे और साथ ही साथ सेम फेस में रहते, समान कला में, लंबवत तो कंपन करते ही है, है ना, और साथ ही साथ क्या करेगा बोलो, क्या करेगा बोलो, ये समान कला में होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, समान कला में होंगे, क्लियर, ठीक है बेटा। अब कुछ और खास खास बातें बोलो, इसका स्टडी करते हैं, ना क्या करते हैं, इसका कुछ खास खास बातें और स्टडी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये देखिए, नेक्स्ट, ये जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग, ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में बहुत सारे प्रकार के प्रकाश होते हैं बेटा, है ना, ये आपको ध्यान रखना। और इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, इसको हम लोग याद करते हैं रमी वॉक्स जी इस रूप में याद करते हैं बेटा, है ना, रमी वॉक्स जी के रूप में हम लोग याद करते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा, आर मतलब होता है रेडियो वेव, है ना, एम मतलब होता है माइक्रोवेव, आई फॉर क्या होता है बेटा, इंफ्रारेड, याद रखना बेटा, वायलेट, ये क्या होता है, विजुअल लाइट, वी का मतलब होता है बेटा अल्ट्रा वायलेट लाइट, है ना, एक्स रे, और ये होता है गामा रेस, ठीक है। कई जो बुक्स होते हैं, कई बार आप पढ़ेंगे तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखेंगे तो हाँ यहां पर एक और वर्ड आता है बेटा, कॉस्मिक रेस, ये भी लिखा रहता है ना, ये है, ठीक है, कॉस्मिक रेस,
है ना, क्या लिखा रहता है, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। ये मेनली हम लोग इतना ही तक ध्यान देते हैं, और है ना ये है, हम इसी को ज्यादा करके ध्यान देते हैं बेटा, कॉस्मिक रेज को, ये आपको ध्यान, ठीक। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता बेटा ताकि आपको समझने में आसानी पड़ेगा, है ना। ये देखिए, ये ठीक, इसको पूरा एक स्पेक्ट्रम बना लेते हैं तो आपको आसान पड़ेगा बेटा, है ना। ये है, क्लियर, ठीक है, गुड। मेरे ख्याल से कैमरे में यहां तक आ रहा है ना बेटा, इधर का नहीं आ रहा है पोर्शन, देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए, है ना, आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो आर मतलब क्या होता है, रेडियो वेव, ये रेडियो वेव। एम मतलब क्या होता है, बताया था, माइक्रोवेव, ठीक है। आई फॉर क्या होता है बेटा, इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, है ना, है ना, ये है। और ये जो विजुअल लाइट है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा लाइट। जनरली हम सामान्य जो लैंग्वेज में हम बोलते हैं लाइट, यानी कि जो प्रकाश की बात करते हैं, वो होता है विजुअल लाइट। क्या होता है, विजुअल लाइट। हम इसी लाइट के बारे में ही ज्यादा डिस्कशन करते हैं, याद रखना। उसके बाद क्या बेटा, ये अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद क्या है, देखो बेटा, एक्सरे। उसके बाद क्या है बेटा, देखो, गामा रेज, है ना, और उसके बाद कॉस्मिक रेज, ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। ये जो विजुअल लाइट होता है, वी फॉर क्या होता है बेटा, विजुअल लाइट, विजिबल लाइट, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश। ज्यादा करके हम इसी का स्टडी करते हैं, और यहां भी हम यही स्टडी करेंगे, ठीक है। और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसके याद कैसे करते हैं बेटा, रमी वॉक्स जी, रमी वॉक्स जी, ऐसा बोलना है, ठीक है। अब ये जो विजुअल लाइट होता है बेटा, ये वास्तव में 7 कलर से मिलकर बना रहता है। और मेरे ख्याल से आप लोग जो कैसे याद किए होंगे बेटा, उसको आप याद किए होंगे वी जी वाई ओ आर, बिग्योर के रूप में आपने याद करके रखा होगा बेटा, है ना। जो विजुअल लाइट है उसको आप किसके फॉर्म में याद किए, याद करिए, विजुअल लाइट को बिग्योर के रूप में जानते होंगे, बेजानी हा पीनाला। अब जब हम इसको अरेंजमेंट करेंगे बेटा, तो हम भले याद करें आप लोगों ने कैसे, बिग्योर के फॉर्म में, लेकिन रियलिटी में ये उल्टा रहता है बेटा। यानी रियल में कैसे होगा, ये आर इधर आएगा, है ना, ये देखो ऐसा लिखेंगे, वी आई बी जी वाई ओ आर, ओ आर, ऐसा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको थोड़ा तैयार करने के लिए मैं आपको टेक्निक बता दूं, ये स्पेक्ट्रम में जब हम फिट करेंगे तो ये उल्टा होता है। कैसे याद रखेंगे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दे समझा, इसको पढ़ते हैं आप लोग रेड कलर, है ना, और ध्यान से देखो ये क्या लिखा, इंफ्रा रेड, तो रेड रेड आया ना बेटा, रेड के बाद रेड याद रखना। वी को क्या पढ़ते हैं बेटा, बोलो, वायलेट, वी को क्या पढ़ते हैं, वायलेट, है ना। तो यहां पर देखो वायलेट का क्या है, अल्ट्रा वायलेट, देखो आया वायलेट का वायलेट आया। इस टेक्निक को याद रखना तो आपको कभी कंफ्यूजन ना होगा, है ना, याद रखना। इंफ्रा रेड, तो उसके बाद क्या आएगा, कलर रेड कलर आएगा, ठीक है। ये पूरा व्हाइट लाइट ही है, है ना, श्वेत प्रकाश ही है, लेकिन ये जो श्वेत प्रकाश है वास्तव में खुद 7 कलर से मिलकर बना रहता है। कितने कलर से मिलकर बना रहता है, बोलो, 7 कलर से मिलकर बना रहता है, है ना, ये आपको ध्यान रखना, ये 7 कलर से मिलकर बना है बेटा, ठीक है। तो हमको पता करना है कि रियलिटी में इसके बाद इंफ्रारेड का कौन सा कलर आएगा इस व्हाइट लाइट में, तो कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा आएगा अरेंजमेंट, इसका उल्टा होगा, इंफ्रारेड का रेड आएगा, है ना, लास्ट में क्या आएगा, वायलेट, तो उसके बाद क्या आएगा, अल्ट्रा वायलेट। यानी विजुअल लाइट जो मिलता है, दृश्य जो प्रकाश है, ये जो विजुअल लाइट है बेटा, दृश्य प्रकाश, क्या है ये, दृश्य प्रकाश, ये वास्तव में क्या है, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट के बीच का रीजन है, क्या है, बीच का रीजन है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। अब थोड़ा ध्यान रखिए, ये चीज़ ये तो मैंने आपको याद करके बता दी, इंफ्रारेड तो रेड कलर,
वायलेट को अल्ट्रा वायलेट। गुड, पकड़ लीजिए बेटा अच्छे से, है ना। अब हम जैसे हम रेडियो वेव से गामा रेस की ओर जाते हैं बेटा, किधर जाते हैं बोलो, गामा रेस की ओर, तो क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होता है। यहां वेवलेंथ क्या होता है, घटता है बेटा, याद रखना। इधर जाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, ठीक। यानी कि वास्तव में जब वेवलेंथ घटेगा बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। वेवलेंथ घटेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन समझते हो ना, आवृत्ति, यह बढ़ता है बेटा। आवृत्ति क्या होता है, इधर से इधर जाने पर बढ़ता है, वेवलेंथ घटता है। या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि गामा से मैं रेडियो वेव की ओर जाऊंगा, रेडियो वेव की ओर जाऊंगा तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, हाँ मतलब तो वही है। इधर जाते हैं तो वेवलेंथ घटते बोलते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, है ना। और इधर जाते हैं तो तरंग क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ या आपको ध्यान, ठीक है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन कैसा होता है बेटा, ये कौन से फॉर्मूले से आता है आपको याद होगा, हमने पढ़े ना, सी बराबर क्या पढ़ते हैं, एफ इंटू लैम्डा। ये देखो, तो जब आवृत्ति बढ़ेगा ये वाली राशि बढ़ेगी, तो ये वाली राशि क्या होती है बेटा, घटता है। इसीलिए बोलते हैं हम लोग जब रेडियो वेव से गामा रेस की ओर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अर्थात वेवलेंथ घटता है। गामा रेस से रेडियो वेव की ओर आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है बेटा, बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। इधर मिटा देते बेटा, थोड़ा और डिस्कशन मिलाते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना, ये देखिए थोड़ा और डिस्कशन मिलाते हैं ना। चलिए ये हो गया। दूसरी बात, ये जो बिग्योर कलर है बेटा, इसको ध्यान रखना, बिग्योर, है ना, बिग्योर। आर क्या कहलाता है बेटा, रेड। इसका जो वेवलेंथ होता है बेटा, है ना, सबसे ज्यादा होता है वेवलेंथ, और ये कितना होता है, 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। वी को क्या बोलते हैं बेटा, वायलेट, यानी कि बैगनी, है ना। और इसका जो वेवलेंथ होता है मिनिमम होता है बेटा, बहुत ही कम, कितना होता है इसका वेवलेंथ, ये होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। एक बार, हाँ है ना, 2016 में एशिया में पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश का परास क्या होता है, क्या पूछा गया था बेटा एशिया में, एशिया हाँ में क्या पूछा है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का परास, का परास क्या है, यह आपको ध्यान, तरंगदैर्ध्य के परास क्या है, यह पूछा गया बेटा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होता है, आंसर क्या लिखेंगे, 4000 अंगस्ट्रॉम से 7000 अंगस्ट्रॉम तक, ठीक है, 4000 अंगस्ट्रॉम से 7000 अंगस्ट्रॉम तक होता है, ये इसका परास है बेटा, ठीक है। अब लेकिन रियली में जब आप ऑप्शन देखेंगे तो अंगस्ट्रॉम में नहीं दिया था बेटा, क्या लिख दिया था, अंगस्ट्रॉम में, वो अंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दिया था बेटा। कैसे बदलेंगे, देखिए, एक अंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर, 10^-10 मीटर। अब इसमें बदल लीजिए बेटा, तो जब हम इसको ऐसा बदलेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो देखो 10^-10 3 कट जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4^-10^-7 मीटर। इसको भी ऐसे लिखेंगे कितना आ जाएगा, 7^-10^-7 मीटर, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपको। इसी को उसने क्या किया, एग्जामिनर ने जब ऑप्शन देखेंगे तो इसका एक पॉइंट यहां ले लिया, 0.7। अब ये 10^-6 बचेगा बेटा, -6 को हम क्या लिख सकते, बोलो, इसको हम लिख सकते हैं माइक्रोमीटर, ऐसा। तो इसको भी हम इसी प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे तो ये आएगा 0.4 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन माइक्रोमीटर में दिया था बेटा। जनरली बच्चा किसमें याद करके जाता है, अंगस्ट्रॉम में, तो अंगस्ट्रॉम को आपको पहले मीटर में बदलना आना चाहिए, फिर
फिर आपको माइक्रो में बदलना आना चाहिए बेटा, है ना। तो 10 की घात माइनस 6 को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो। और इसके लिए जो सिंबल वर्ड यूज करते हैं वो है म्यू। ये आपको ध्यान, ये प्रीफिक्स है बेटा, है ना, यूनिट के पहले लगता है उसको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट के पहले लगता है उसको प्रीफिक्स, पूर्व लग्न, है ना। यूनिट के पहले जो भी क्वांटिटी लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न बोलते हैं बेटा, माइक्रो। ठीक है, तो दूसरा टर्म में याद रखना कितना होगा परास, तरंगदैर्ध्य ऐसा लिखेंगे, और माइक्रो में कितना लिखेंगे इसका परास बोलो, 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर, ये इसकी परास है बेटा, क्या है परास। ठीक है, याद रखना। तो ये ऑप्शन आ चुका है बेटा, ठीक है, चलिए है ना, थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो येलो है, येलो को बोलते हैं बेटा हम लोग मीन रे, क्या बोलते हैं बोलो, मीन रे, है ना, माध्य किरण बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बोलो, माध्य किरण। और येलो का तरंगदैर्ध्य कितना होता है बेटा, 5500 अंगस्ट्रॉम, याद रखना है ये 5500 अंगस्ट्रॉम, ये माध्य किरण है ना, याद रखना, माध्य किरण के रूप में जानते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि माध्य किरण कौन होगा, ग्रीन होगा, ऐसा तीन इधर से देखिए, तीन इधर से, बट रियली में माध्य किरण ग्रीन नहीं बेटा, येलो कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माध्य किरण किसको बोलते हैं, येलो को, येलो को याद रखना है, येलो को क्या बोलते हैं बोलो, माध्य किरण, ये आपको ध्यान, ठीक है, क्लियर, गुड। हाँ, ये जो येलो कलर होता है बेटा, है ना, अगर हम इसके बारे में थोड़ा बात करें, येलो कलर के बारे में और बात कर लेते हैं, इधर लिखो, गुड। तो येलो कलर जो होता है बेटा हमारे आंख के लिए बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है, येलो जो कलर होता है हमारे आई के लिए, आई के लिए ना, आई के लिए क्या रहता है, सेंसिटिव, सेंसिटिव, हाँ, सेंसिटिव, सेंसिटिव, आई के लिए क्या रहता है बेटा, सेंसिटिव, सेंसिटिव, है ना, आई के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं सुग्राही, सुग्राही, क्या लिखते हैं बेटा, सुग्राही, है ना, सुग्राही, ये सुग्राही होता है ना, याद रखना। तो बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है आई के लिए, हमारे आई के लिए क्या होता है, बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, गुड, आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। तो ये बहुत ही आई के लिए हमारा क्या रहता है, सुग्राही होता है। इसीलिए आपने देखना जितने भी कमर्शियल व्हीकल होते हैं वो ज्यादा करके येलो कलर से पेंट रहते हैं बेटा, क्या रहते हैं, येलो कलर से पेंट होते हैं। फिर सुनो, येलो जो कलर होता है हमारे आई के लिए बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है, सुग्राही होता है। इसीलिए जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, है ना, कमर्शियल जो व्हीकल्स है उसको येलो कलर से पेंट किया जाता है, यह आपको ध्यान। अगर मैं इस बात को, सेंसिटिव को, है ना, ग्राफ के माध्यम से अगर आपको बताना चाहूं तो कैसे बनेगा बेटा, देखो ग्राफ, ये देखे ना, इसको मिटा दूं, ओके बेटा, है ना, ये लिखा, अगर हम इसको मिटा देते हैं बेटा तो देखो ध्यान से, है ना, ये तो अगर मैं ग्राफ ले लेता हूं, एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, है ना, इधर लिख लेता मैं आई का सेंसिटिविटी, है ना, सेंसिटिविटी, है ना, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, है ना, ऑफ आई, और इधर क्या ले लेता हूं बेटा, एक्स एक्सिस में वेवलेंथ, वेवलेंथ, और ये जो वेवलेंथ है बेटा वो किस में लिया गया, अंगस्ट्रॉम में, ठीक। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो विजुअल लाइट का ना, दृश्य प्रकाश का, तो इसका जो ग्राफ इस तरीके से आएगा बेटा, यानी यहां पर जो होगा वो कौन होगा, वायलेट होगा, वायलेट मतलब जिसका तरंगदैर्ध्य कितना बेटा, 4000 अंगस्ट्रॉम, और यहां कौन आएगा बेटा, रेड, जिसका तरंगदैर्ध्य कितना था, 7000
1000 एंगस्ट्रॉम और येलो कलर का सेंसिटिव बहुत ज्यादा होता है, देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से, और ये होगा 5500 एंगस्ट्रॉम। यह इसीलिए हमने आपको बताया ना बेटा, येलो कलर जो होता है हमारे आई के लिए वेरी हाईली सेंसिटिव है ना, इसीलिए हमने जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उसको येलो कलर से पेंट किया जाता है, ये आप अच्छे से याद रखना बेटा, ठीक है, गुड। चलिए, और हमने येलो कलर के बारे में बात कर लिया बेटा, ठीक है ना, ओके, इसको मिटा दो। हाँ, अब देखो हमको यहां पर दूसरे एक और चीज याद रखना है ना, ये देखिए इसको बोलते हम लोग है ना लाइट का क्या बेटा, पर सीस स्टेंस है ना, आई का क्या होता है, परसिस्टेंस होता है बेटा है ना, लाइट उन्हीं या आई का परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस है ना, आई का क्या है परसिस्टेंस, हमारा जो आई होता है बेटा हम उसी लाइट पल्स को ही देख पाते हैं जो 1/10 तक को हम देख पाते हैं, इससे छोटा अगर कहीं रहेगा इंटरवल ऑफ 2 लाइट पल्स तब हम उसको नहीं देख पाते, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.1 सेकेंड, इस वाले लाइट पल्स को हम लोग देख पाते हैं हमारा आई, तो ये आई का क्या होता है परसिस्टेंस है, इससे कम अगर लाइट का पल्स हुआ तो हम उसको विजन नहीं कर पाते, देख नहीं पाते बेटा, ये आपको ध्यान रखना ना, दो लाइट के बीच में जो पल्स इंटरवेल है अगर इससे भी और स्मॉल हुआ तो हम उसको डिस्टिंग्यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको अलग अलग नहीं देख पाएंगे बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, तो कितना होना चाहिए उसका परसिस्टेंस टाइम 0.1 सेकेंड, इससे कम हुआ तो नहीं देख पाएंगे, इससे ज्यादा होगा या इतना है तो देख पाएंगे, क्लियर, हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे लाइट का जो पल्स है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर बेटा है ना। अब देखो हमारे जो एसीएफ है उसमें उनको क्या पूछा गया था बेटा, दृश्य प्रकाश का क्या पूछा था, बोलो दृश्य प्रकाश का क्या पूछा था, तरंग है, अब हमसे आवृत्ति भी तो पूछ सकता है बेटा, तो आवृत्ति निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एफ क्या है आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, ये होता है बेटा सी बाई लेमडा, सी क्या प्रकाश की चाल है, और आपको जानते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में कितने 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, अब यहां पर हम वेवलेंथ डालेंगे बेटा, वेवलेंथ को रखते रहेंगे और हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जैसे हमको वायलेट का फ्रीक्वेंसी निकालनी है, किसका निकालना बेटा वायलेट का फ्रीक्वेंसी, तो कितना आ जाएगा देखो 3×10^8 कितना आएगा स्टार 4000, तो हम मीटर में कितना लिखते हैं 3×10^-7 मीटर, इसको हम ऐड कर देंगे इससे तो 15 आ जाएगा, 15 में से 10 इसको दे देना 30/4 कर दीजिए 10^14, देख लीजिए कैसे किए बताओ, 8×7=15 हो, 15 में से 10 इसको दिया 30 बना ली, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 7×4=28 बेटा, कितना बचा 2, तो 4×5=20, तो ये हो जाएगी वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसी प्रकार हम रेड कलर का भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो कितना लिखेंगे देखो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड है ना, ये है, अब हम इसे कितना करना है 7000 को हम लोग क्या लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम को मीटर बदल लीजिए -10, ऐसा भी कर सकते हैं, ये कट गया 7 हो 15 हो जाएगा, 15 में से फिर आप इसके 0 दे देंगे बेटा 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 14, अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो 7×4=28 आएगा बेटा 28 है ना, कितना बचेगा 2, 7×4=28 तो 4 जाएगा ना, ये देखो है ना 2 बचा 20 होगा, 7×2=14, 7×3=21, तो लगभग 0.3×10^14 हर्ट्ज, ये देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए दृश्य प्रकाश की आवृत्ति का परास क्या होता है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति का परास क्या होता है, क्या बोलेंगे बेटा, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति का परास, तो क्या लिखेंगे आंसर बोलो, क्या लिखेंगे 4×3×10^14 हर्ज से 7.5×10^14 हर्ज
होगी, इतना होगा बेटा इसका परास आवृत्ति का, है ना। तो ये पीछे आया नहीं है तो ये आ सकता है बेटा, ये भी आपको याद होना चाहिए आवृत्ति का परास कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज और याद रखना बेटा, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो इसमें से कोई भी प्रकाश, हर प्रकाश, ये चाहे वो रेडियो वेव्स हो, माइक्रोवेव्स हो, इंफ्रारेड हो, विजुअल लाइट हो, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, ये सब किस स्पीड से चलेंगे बेटा, स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करते हैं। किससे ट्रेवल करते बोलो, स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करते हैं, याद रखना, किससे ट्रेवल करते बोलो, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो हम किसी भी लाइट का, अगर हमको केवल तरंग दैर्ध्य पता है तब हम उसकी आवृत्ति का परास निकाल सकते हैं बेटा, क्या निकाल सकते बोलो, आवृत्ति का परास निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो इसको भी मिटा देता हूं बेटा, ये आप अच्छे से याद रखेंगे ना हर चीज,